وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا. खुलासा पारा नंबर पच्चीस मुस् की तरफ लौटता है क़्यामत का इल्म इस पारे में क़्यामत की झलकिया है और कायनत में फैली हुई वो चीज जो हम हर साल कई बार देखते हैं और जो भी अगले एक आध महीने में देखेंगे वो गए शगुफों का फूटना बूर का लगना सूखी टहनीयों के ऊपर पत्तों का आना अल्लाह ने क्यामत का जब्त जोड़ दिया इस बारे में घर ख़जां के बाद आने वाली बहार से तो कहा कि जिस तरह फलों को तुम देखते हो कि कैसे फूट फूट जाते हैं इसी तरह क़यामत आने वाली है ये सूरत हामीम सजदा की ये सॉरी ये पारा हामीम सजदा आयत फोर्टी सेवन से शुरू होता है फिर इसमें पूरी सूरत शुरा भी है सूरज जुखरफ भी है और आखिर में इसमें सूरज जासिया का कुछ हिस्सा है जो आयत नंबर थर्टी तक है और बीच में सूरज दोहान भी है ये सारा कुछ एक एक पारे के अंदर जब आता है तो हम इसको गौर से देखें तो कंप्लीट पैकेज है हमारे लिए क्यामत को मानने का देखिएगा इसके मेन नुक्ते पहली बात गौरव फिक्र करना है ख़ासतौर पर ये शुरू में जो आयात हैं हामीम सजदा की ये गौरव फिक्र से ही मतलब है फिर लोगों को ख़बरदार करना है रब को अपना बनाना है दुनिया की ज़िंदगी के धोखे से बचना है और अल्लाह की निशानियों पर गौर फिक्र करना है सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करना है और अल्लाह की किताब को समझना है। एक रोज़ हमें भी अपने रब की तरफ पलटना है इस बात का यकीन रखना है। तकवा की जिंदगी गुजारना है अल्लाह की तरफ रजू करना है, कुरने पाक को मजबूती से पकड़ना है पिछले लोगों के हालात से सबक लेना है और अल्लाह से डर कर रहना है फर्मा बरदार बन दुनिया से जाना और अब पर यकीन रखना है और फैसले के दिन कामयाब होने के लिए ज़िंदगी गुजारनी है अल्लाह ताला आपको मुझे इस पर अमल की तौफीक दे अब देखेंगे तरतीब के साथ अमल की बातें पहली तो बात इसमें क्यामत और मौत की है एक हकीक़त है पारे कबिल बिल्कुल आगाज़ यमुस् हामिम सजदा में आयत 47 पे ये बात है फिर दूसरी बात यह कि अगर दुआ फौरी कबूल ना भी हो तो मांगते ही रहना है आयत फोर्टी नाइन का ये पैगाम है और इसी तरह से अल्लाह ताला से मुलाकात का यक़ीन रखते हुए अमल करने हैं आयत फिफ्टी सजद सज़्ध, हामिम सजदा आगे सूरज शुरा शुरू हो जाती है ये बड़ी ख़ूबसूरत सूरत है क़ुरान सुनों से मज़बूत ताल्लुक़ और मशवरे की अहमियत इस सूरत का एक मेन थीम है शुरा क्या है एक टीम वर्क है एक मैनेजमेंट कोर्स है पूरी एक लीडरशिप के अंदर सब मिलकर काम करने वाले किस ताल्लुक में बंधे होते हैं कैसे वो दुनिया में अपने आप को कामयाब करते हैं और आखिरत में तो अल्लाह ताला कामयाब कराएगा इसमें भी इस तकामत का हुक्म है आयत 15 में यानी दीन की दावत देने वालों को खुद भी वस्तम कमा उमिर तपमल करना यानी कि दूसरों को आप हलते रहें और ख़ुद आप अपने बारे में कोई फिक्र ही ना करें फिर इसके बाद जो बहुत ही प्यारी आयतें हैं सुरज शुरा की वो आयत नंबर ट्वेंटी मन का नुरी दो हरसल आख़िरती नजिलहू हर हरसी व मन का नुरी दो हरसल दुनिया नोती ही मनहा अल्लाहबर कबीरा इस पे अमल करना इस दुनिया के की जमीन पे वो बीज डालने हैं जिसके फल आखरत में आएंगे ये जगह बीज डालने की आखिरत फल लेने की यहां कर आप आमों के और अमरूदों के और स्ट्रॉबेरीज के और मजे मजे के फलों के और नेकियों के और खैर के बीज डालेंगे तो वहां जन्नत में ये चीजें आपको डिलीवर होंगी और अगर आप इधर आए के और कांटों वाले थोर के और गुनाहों के और सरकशियों के बीज डालेंगे तो उसकी फ़सल की डिलीवरी जहन्नुम में होगी आपको मुझे ख़ुद देखना है कि हम दुनिया की ज़मीन पे कौन से बीज डाल रहे हैं और फिर इसी के अंदर एक अमल का और नुक़ा लिख लीजिए कि अल्लाह सुबहाना तला के रस्ते में जब भी कभी कोई मुश्किल आ जाए आपको कोई अपना गुना सताए या किसी दूसरे की तरफ से तकलीफ़ आए तो अल्लाह ताला से राहमत की उम्मीद के साथ तौबा करनी है आयत फोट ट्वेंटी फाइव बहूल्ल यकबल तो बतानीबाद ही इस पे अमल करना है कि बड़े से बड़ा गुना खाट के भी आपने आप को गिल्ट में ना रखी है बल्कि अल्लाह की मदद मांगनी है फिर इसमें जो एक बहुत खूबसूरत पैकेज है अक्सर सूरतों में जो पाँच छः आयात का इकट्ठा पैकेज होता है इसका नंबर नोट कीजिए सूरत शुरा की आयत नंबर थर्टी सिक्स से लेकर फोर्टी वन तक अल्लाह ने कुछ ख़ूबियाँ दे दी जो मैंने आपने अपने अमल में लानी है और वो कौन सी हैं आमन या तबक्लून यब कबायरस्म वाल्फवाह यानी कबीरा गुनाहों से और फुखश चीज़ों से रुकना है वज़ा माँ गदीबू हम यकफिरूँ किसी पर बहुत भी गु़स्सा आया हो तो उसको माफ़ कर देना है रब की दावत को कबूल करना है नमाज़ें कायम करनी है, और अमरु हम शूरा बेना कामों को मशवरे के साथ करना और मज़क़्क़ना हम यूनफ़ून उसके दिए हुए में से ख़र्च करना है और इजासा बहुम्लब हम यसर कभी किसी जगह मामला करना पड़े बराबरी पे करना है ज़्यादा नहीं करना यानि बदला उतना ही लेना है जितना कि किसी का जुर्म होगा अल्लाह ताला हमें अल्ला अखलाकता फ़रमाए और अगली अमल की बात इसमें लिखी है आयत 49 नाइन से बेटा होगा कि बेटी ये अल्लाह का फैसला है। बीवी का फ़ैसला नहीं है तो लिहाजा ऐसी बी ऐसे घराने जहाँ सिर्फ बेटियाँ ही हैं तो उस बहू को या उस बीवी को बुरा नहीं समझना और उसको धमकियाँ नहीं देनी ये अल्लाह तला के हाथ में है और आयत 53 में क्या पैगाम है कि जो अल्लाह के रस्ते पर चलता है पहले अल्लाह उसको ईमान का नूर दे देता है फिर हिदायत का नूर दे देता है और फिर उसकी कबर भी नुरानी होती है और फिर होते होते वो पुलसरात से गुज़रता हुआ जन्नत में पहुंच जाएगा या पहुंचा दिया जाएगा अल्लाह ने फरमा दिया ये बात हमारे सामने के वलॉक जल ना नहदी नाहब ही मन नशा तो अल्लाह हमें इसी में शामिल फ़रमाए उसके बाद आगे सूरज जुखरुफ़ है बनाव को कहते हैं सजना संवरना आरयश डेकोरेशन मेकअप जेवर ज्वलरी यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिसका जिसकी तरफ अमूमन ख़ातन का रुझान होता है तो इसमें से पहले तो आयद नोट कीजिए इस बारे के साथ सुबह नज़ी सखरना हसवन्ना लहू मकर वन्ना अला रबीना लमन खलीबून सफ़र की दुआ है जो आपको सभी को आलमोस्ट आती होगी ये सूरज ज़ुखरु की आयत थर्टीन और फोटीन में है तो इस दुआ को याद भी करना है और अपने बच्चों को सिखानी भी है और फिर पढ़ना भी होता है ये सिर्फ याद करने की बातें नहीं हैं आयत थर्टी टू का पैगाम है कि गरीब मुलाजिम कमी कमीन को खटिया नहीं समझना और दीन पे अमल करने वालों का मजाक नहीं करना यह अल्लाह की बाट है और वो जिसके साथ जो मामला कर दे बो कबादन दर जात यह अल्लाह की तरफ से है और उस बहुत ही अमल की बड़ी बात दिल को अल्लाह की याद से खाली नहीं रखना वरना शैतान वहाँ बसेरा कर लेगा आए थर्टी सिक्स जुहरफ व मैयाशन ज़िक्रराहमान नहुशान लहु करीन अल्लाह ताला हमें बुरी सोहबतों से और ख़ाली रखने से दिल को बचाए इसमें अल्लाह की याद और अल्लाह की बात ही होनी चाहिए आगे लिखिए आयत 67 पे यकीन रखना कि क्यामत के दिन सिर्फ ईमान वाली दोस्तियाँ बाकी रहेंगी उमज़ेम बान आदो एमत तो तकवा की बुनियाद पे दोस्तियां करनी है और जिन दोस्तों में तकवा नजर ना आए उसके लिए दुआ करते हुए अपने अमल और अखलाक से उनको दीन के करीब लेकर आना है और फिर उसके बाद दुखान जिसकी पहली ही आयत लई लतुल्क़दर अल्लाह के अमर नाजिल होने की रात तो इस आयत को आपने रमजान की रात के साथ जोड़कर ये जो पत्ते लगना पत्ते झड़ना साल के फैसले हमारे कल्चर में इसको पंद्रह शाबान से जोड़ देते हैं जो मुग़लता है ये रमज़ान की रातों में से एक रात होती है अल्लाह ताला हमारे हक में ख़ैर के और बेहतरीों के फैसले फ़रमा दे और उसके बाद फिर आखिरी बातों में सूरज जासिया अगर आप देखते हैं जिसके अंदर आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ही ख़ूबसूरत पैगाम मिलता है जो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ एक अमल का नुक्ता इसमें से आप ले लें और मैं भी तो काफ़ी है और वो कह के अपने नफ्स को खुदा नहीं बनाना नफ्स की पूजा से बचना है आयत नंबर ट्वेंटी थ्री अफराई तमन तखज अलामिन वमही वलबी ही व जाल बसर ही, ही शावा कितना गुस्सा अल्लाह को उस बंदे पे जो हर जगह अपने नफ्स को खुदा बनाए बैठा है जिसको ए, सुनना भी वो है जो नफ्स चाहे देखना भी वो है जो उसका दिल चाहे ज़ुबान से वही बोलना है जो दिल चाहे तो ऐसा शख्स अल्लाह की बात को पीछे डालकर अपने नफ्स को बड़ा बनाता है और आखिरी बात इस बारे की आयत थर्टी सेवन जो बिल्कुल लास्ट आयत थे अलजासिया वलहुल की ब्रियाआफ समावा वर्थ वहू वल अज़ीज़ल हकीम अल्लाह की किबरियाई को बयान करना है ज़मीन व आसमान पर अल्लाह के नाम के डंके बजा दीजिए बड़े बन जाएँ अल्लाह के नाम को बड़ा कर दीजिए खैर मुसलमों से मरूबीत और विलायत एक फितना है एक गुमराही है अल्लाह के नाम को आप बड़ा करते रहें अल्लाह आप की बात को भी आगे पहुँचाएगा तो आपने देखा है कि आप ज़रा से पैगाम संजीदगी की तरफ़ जा रहे हैं क्योंकि बंदा मिच्योर हो जाता कुछ है छब्बीस पारे कचोड़े थोड़ी हैं ये तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना वरना पढ़ने में तो मुद्दतें लग जाती हैं नबी पर तो ये कुरान तेईस साल में नाजिल हुआ हम इसको अगर दो तीन चार नशिस्तों में कर ले हैं तो फिर इसके लिए फोकस भी हमें पूरा चाहिए कोई अच्छी नीयत कीजिए इस बारे के बाद क्या आपको इस बारे में से अपने लिए अच्छा लगा जी आप जी आप बताइए अच्छा तो सभी है मुराजे कि आपके दिल को क्या लगा नफ्स को, को काबू में रखना है जी आप इधर से आप सहमत जी इसमत इस इस जी आप जी, तो जी, जी तो तार तार। आप देख रहे हैं अगर आपको मैं गिनवाऊँ पहले दफा बहुत दफा किया कि कि सबसे ज्यादा इन बातों का जिक्र है कुरान में जो बाकी भी बातें हैं ना अंबिया के किस्से कौमों के किस्से उनके हालात इनके वो इसीलिए है कि तकवा और इबादत करो और आज कुरान का ये पैगाम पीछे है और बाकी बातें आगे अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे